भाई ये रिंग किस तरह लगाई है, इसी तरह बता दे। नथली चिपकी वाली, नथली का ही है, बड़ी प्यारा डिजाइन है। बाहर निकाले, हमने कहा था आज हम कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन फिर हमने ना जबरदस्त है। कौन सी वाली लोगी? अभी मैंने बनाया है कोरमा, रही हूँ मैं बिरयानी और यहाँ पे बनेगी खीर। तो मेरी ईद तो ऐसे गुजर रही है, आप सबकी ईद कैसे गुजर? तो ये है मेरी फाइनल लुक ईद की। अभी फिर से मैं अम्मी की कब्र माला के घर गए थे और जब लास्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, दिस इज़ मी सायरा तबस्सुम। सबको चांद रात मुबारक। बहुत सारी दुआएं की थी कि आज चांद रात ना हो, लेकिन फिर भी चांद रात हो गया, क्या हो सकता है। वैसे तो अल्लाह जन नसीब कर मेरी अम्मी को, ये मेरी अम्मी के बगैर पहली ईद है। और लेकिन बच्चे इशाल है फातिमा, उनके हमने शॉपिंग करनी है। बच्चों को तो नहीं पता ना कि क्यों नहीं सब सेलिब्रेशन कर रहे, तो इसलिए हम बाज़ार जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, बच्चों के लिए चीज़ें लेनी है। तो देखते हैं क्या सूरत हाल है मार्केट की, चल के मनाते हैं चांद रात। दुआएं तो कबूल नहीं हुई, आज चांद रात हो गया सडनली, तो देखते हैं मार्केट की क्या सूरत हाल है। सो लेट्स गो। ऐसा लगता है लोग रोज़ा खोल के सारे बाज़ार में आ गए। यहाँ पे लिखा है फैमिली सेल मेला, सब कुछ 80 रुपये में, बाटा का जूता भी, बर्तन, स्टेशनरी, ज्वेलरी, किचन का सामान, खिलौने, सेल, सारा फैमिली सेल मिला। ऐसा लगता है सारे रोज़ा खोल के दरी त्रुट मरे। अल्लाह अल्लाह करके रश से निकले और आगे फिर भी रश है। मैं तो डर गई ना बच्चा क्या। यहाँ पे ना कोई भी चीज़, मेरा ख्याल है हमारे लेने वाले ने ये अंबीर ही ले सकते है ना। रजिया की शादी में मैं पहनूंगी, रजिया की शादी। मकसद ये है कि उन्होंने कपड़ों की दुकान इसलिए खोली है कि ईद के बाद जिनकी शादियाँ हो वो कपड़े ले लें, जेंट्स और फिर सिलाई करवा लें, रेडीमेड भी हैं इनके पास। और मौसम भाई ने रिंग अच्छी ला के रखी हुई है, पायलें भी अच्छी। कौन सी लेनी है शाल के लिए? नहीं बढ़िया लगती हूँ। अल्लाह अकबर, ये हमने लिए है शाल का मैचिंग। हमजा भाई ये कितने का है? ये 7.5। वो जो नीचे वाला है? नीचे वाला 1050। आप भी कह रहे थे ये दे रहा हूँ, तो आप आपके लिए आधे पैसे दें, आधे ईद भी तो मैं लूँगी, मैं नहीं 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 तो लूँगी। भाई ये रिंग किस तरह लगाई है, इसी तरह बता दे। नथली चिपकी वाली, नथली का ही है, बड़ी प्यारा डिजाइन है। बाहर निकाले, हमने कहा था आज हम कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन फिर हमने ना जबरदस्त है। कौन सी वाली लोगी? ये वो घूमने वाली है आई थिंक। भाई मैं जब भी आपकी दुकान पे आती हूँ रश पड़ जाता है, ये बात तो मानते हैं ना। आपके आने की बरकत है ये। हाँ तो कोई बरकत है। क्यों तू अंदर हो इसमें? ये देखो ना, हम जा रहे हैं चूड़ियाँ छुड़ाने। यहाँ पे हमने दो रिंग ली हैं, शाल का हेयर बैंड लिया है, एक मस्कारा लिया है। एंड लेट्स सी, देखें चूड़ियाँ हम कितना खजल खुआर होते हैं, भला चूड़ियों में क्या क्या है। चूड़ियाँ चूड़ियाँ जिधर जाएँ, चूड़ियों वाले स्टॉल पे इतने ज़्यादा रश हैं। यहाँ से यहाँ पे चूड़ियाँ तुम्हें पसंद नहीं थी वो अगे आए रजिया केड़ियाँ चढ़ा से पसंद करी सोनी तो थी। कौन से चढ़ाओगे रजिया? चढ़ाई है बोलो, हमने भी चूड़ियाँ चढ़ाई हैं। यहाँ पे रजिया साहब चूड़ियाँ चढ़ा रही हैं, जख्मी दिल
हमने ये भी शाल के लिए ली हैं चूड़ियाँ, हमारी शाल ये पहनेगी, उसको बहुत अच्छी लगेगी। तो मीठा बस है नहीं चढ़ने में। अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत ही बढ़िया। ये सारी टूट रही हैं। ओ फिर तो दिया लाओ पहले वो बाकी कच्ची चूड़ी है। मिक्स भाई इंशाल्लाह। तू देला पुत्र चेक कर ये किनो 150 किस तरह लाइयां रखा ना अल्लाह। ये किसके लिए गिन रही हो तुम इतनी ज्यादा चूड़ियाँ? एक दर्जन कर रही, छोटी एक दर्जन। सीधी हो के खड़ी हो यहाँ पे? फिर आए शाल को चूड़ियाँ चढ़ा रहे हैं। उन्होंने हमें सही चूड़ियाँ नहीं दी और इतनी महंगी चूड़ियाँ उन्होंने दी और इधर हमें सस्ती चूड़ियाँ मिल रही हैं। आज सारे सबको ठग रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ठगने से कोई बाज आता ही नहीं है। विशाल की मामा शाल को चूड़ियाँ चढ़ाते हुए, दो फालतू भी चढ़ा दो कोई मसला नहीं। ना दो में शाह थी है? दो थी है? एक फालतू लाई है बच्चा है। वो उधर तो उसने हमें ठग लिया, लूट लिया। तो मैं कह रही थी इसको 600 रुपया दो, तुमने उठा के उसको पोतरी सी मेरे की, उसने उसको ईद दीती है। एक्स्ट्रा पैसे दे के आप खुश होती है? से अब हम घर जा रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है, जाते जाते देखें किधर निकलते हैं। और भाई को हमने फटीक डाली हुई है, उससे गुस्सा चढ़ रहा है। ले ले भाजी, वैसे ये वाला 100 का सेल कर दो, बहन को 50 लगा लूँगा। चले मैंने पूछा ना भाई, ये टूट जाएगा। मेरी बात है बच्चों के हाथ में लो। रजिया यहाँ पे भी रुक गई है, रजिया हर जगह रुक जाती है, इसको स्टार्ट करना पड़ता है। इससे अब हम अपने घर की तरफ चल पड़े हैं। देखें घर पे चलते 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 हम कहाँ पे पहुँचते हैं। मैं यहाँ पर रजिया से शदीद किस्म की नाराज़ हूँ कि रजिया ने चूड़ियों वाले को इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। मैं उसको कह रही हूँ कि नहीं देने नहीं देने, इसने फिर भी एक्स्ट्रा पैसे दिए तो मैं इसके साथ नाराज़ हूँ। यहाँ पर शॉपिंग मॉल से चीज़ें लेनी है हमने खाने पीने की, जो कि आते भाई को भी याद नहीं है, पीछे बाजार बंद हो चुका है और अभी वो गए हैं। और रजिया को भी कुछ याद आ गया है कि लेके आए तो वो भी बातचीत चली गई। मैं और इशार रिक्शे में, ये देखिए ये हम दोनों इधर बैठे हुए हैं। बोलो हाय। चलो The next day. Welcome to my new vlog. This is me saira I hope my youtube family well hogi. To sabse pehle eid mubarak. To aap sab ki eid kaise guzar rahi hai ye comments mein zarur batayega. Eid ka day hai, bahut busy day hai, pehle kabristan chale gaye isliye vlog banane ka time hi nahi mila. Abhi wapas aaye hain jab se tak kitchen mein busy hain, to ye mujhe mil nahi thi rahi, to main namaz padhne aayi hu to maine dekha ke isko dekho ye kahan pe hai, to ye yahan pe eid mana rahi hai. Hum bhi abhi khana bana ke to hua ke to aise eid guzarenge. मैं तो इधर किचन में बिजी हूँ, यहाँ पे मैंने बनाया है कोरमा रही हूँ मैं बिरयानी और यहाँ पे बनेगी खीर। सो मेरी ईद तो ऐसे गुजर रही है, आप सबकी ईद कैसे गुजर रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक, आपकी फैमिलीज को, आपके घर वालों को। और दुआ है कि मैं तो अपने वालदेन के बगैर ईद गुजारूँ, लेकिन दुआ है कि हर किसी के वालदेन को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी से जाबी शफा दे और किसी को भी कभी अपने वालदेन के बगैर ईद गुजारने का, मैं कहती हूँ ऐसा तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए। सो अभी देखते हैं, अभी ज़ोर की नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ वगैरह मंगवाते हैं, फिर देखते हैं किधर जाती है हमारी सवारी ईद पे। तो ये है मेरी फाइनल लुक ईद की। अभी फिर से मैं अम्मी की कब्र पे जा रही हूँ, सुबह भी गई थी, अभी फिर जाऊँगी अम्मी की कब्र पे। तो मैंने कहा था कि मैंने नहीं तैयार होना, मेरे को मतलब कि मैंने कपड़े नहीं पहने मिलेंगे, तो सारे सुबह से आ रहे थे तो मुझे कहते हैं कि नहीं आपकी अम्मी को तकलीफ़ होगी, आपकी अम्मी को तकलीफ़ होगी। तो फिर मैंने कपड़े चेंज किए हैं, तो मैं फिर अपनी अम्मी की कब्र पे जा रही हूँ। सुबह एक तो हुई हूँ, अभी ऐसे ही नमाज़ पढ़ के जाऊँगी। अभी हमने खाना छाना खाया है, दुआ मांगी है, खाना खाया है,
कब्रिस्तान जा रहे हैं, आज हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं बहुत दूर से, तो हमने मैंने और भाभी ने सोचा हम जल्दी से आए, मैंने कहा अपने यूट्यूब फैमिली से अपनी फाइनल लुक भी शेयर कर लूँ। इतने सोने मकान दे क्या था? देखिए मौसम चेक करें, हम जा रहे हैं कब्रिस्तान, तो मौसम के नज़ारे देखें ज़रा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व अलैहिल कबूर। यहाँ पे हम फिर आ गए हैं अपनी मम्मी के पास, सुबह होके गए थे हम फिर वापस आ गए, हमारी ईद तो यहीं पे है ना। देखें कितना प्यारा मौसम है, कितना प्यारा मौसम है, तो आप सारे इस मौसम का आज इंजॉय करें, हम तो यहाँ से जा रहे हैं वापस घर। ओह माय गॉड, देखें कितना प्यारा वेदर है, रोमांटिक वेदर है। जो कपल्स हैं उनके लिए तो रोमांटिक ईद है, जो शदीद किस्म के सिंगल हैं ना उनके लिए फिर क्या ही आलम है। इधर हम आए हैं ईद मुबारक कहने, हम कब्रिस्तान से घर पहुंचे थे, हम घर आए इतनी तेज़ बारिश और इस तरह का अंधेरा छा गया है, और इस टाइम क्या हुआ है, टाइम हुए हैं पूरे छः, लेकिन पूरे छः में भी फिर भी आप देखिए इतनी शदीद बारिश और शदीद किस्म का अंधेरा छाया है, बारिश यहाँ पे तेज़ सारी लगी हुई है, और ये देखिए और ये अंधेरा है। ईद तो हो गई है रोमांटिक, ईद तो हो गई है मज़े की, हाय हाय मज़े। आई होप आपको आज मेरा छोटा सा व्लॉग, मेरी छोटी सी ईद पसंद आई होगी, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें, एंड मेरी वीडियो पे एक छोटा सा चुन्ना सा मुन्ना सा ईद मुबारक का कमेंट्स तो कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।